नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारत और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अयोध्या आए स्वतंत्र देव सिंह ने बुधवार को सुहावल के महोली गांव स्थित चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज में पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की तृतीय पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने कॉलेज में प्रवेश द्वार की आधारशिला भी रखी। बीकापुर विधायक शोभा सिंह की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान ने किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि मुन्ना सिंह दृढ़ निश्चयी थे। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार का गुणगान भी किया। तरफ से उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जनता की तरफ से मैं माननीय मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, किसी तरह आगे काम करते रहें। आज 3 तलाक का बिल पास होना यानी मुस्लिम महिलाओं के लिए ये वरदान साबित होगा और आने वाले समय में ये मुस्लिम महिलाएं एक सम्मान से जी सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी। और आज मैं मुन्ना सिंह चौहान के कार्यक्रम में आया था। 3 तलाक के बाद क्या अगला कदम हलाला का है? कुल मिलाकर महिलाओं का सम्मान देना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है और मोदी जी एक एक कदम बढ़ रहे हैं, चाहे संपूर्ण योजनाएं हो, चाहे 3 तलाक हो और आगे भी कैसे ये सब महिलाओं को सम्मान मिले, इसीलिए काम। उन्नाव पे क्या कहना चाहेंगे? कल बोल दिया था।